बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को फिलहाल इंडिया ने पनाह दी है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के हिंडन बेस पर शेख हसीना सुरक्षित हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि शेख हसीना अपने अगले पनाहगाह की तलाश में है, लेकिन फिलहाल उनको नया ठिकाना मिलता दिखाई नहीं दे रहा। इससे पहले बुधवार को ब्रिटेन ने यह साफ कर दिया कि वो अपने यहाँ शेख हसीना को शरण नहीं देगा, जिसके बाद से अब एक बार फिर से इस बात की चर्चा तेज है कि शेख हसीना का अगला पनाहगाह कौन सा देश होगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि शेख हसीना खुद एक मुस्लिम देश की पूर्व पीएम है, तो फिर कोई भी मुस्लिम देश अभी तक उनके अपने यहाँ शरण देने के लिए अपना हाथ क्यों नहीं बढ़ाया है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि शेख हसीना की अब 5 देशों पर नजरें टिकी हैं, इनमें से किसी एक देश में वो शरण लेने की कोशिश में लगी हैं। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि हर देश की तरफ से कोई ना कोई कानूनी पेच फंस जा रहा है, जिसकी वजह से वो भारत नहीं छोड़ पा रही हैं। वो 5 देश रूस, बेलारूस, कतर, यूएई और फिनलैंड है। चलिए अब जानते हैं कि इन 5 देशों में कौन सा ऐसा देश है जहां हसीना को पनाह मिल सकती है। शुरुआत करते हैं रूस से। रूस से हसीना के संबंध बेहद अच्छे हैं, लेकिन यहां अमेरिका, इंग्लैंड और फिनलैंड का पेंच फंस रहा है, क्योंकि उनके परिवार के लोग इन 3 देशों में रहते हैं। इन 4 देशों ने एक दूसरे के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिसकी वजह से वो अपने बेटों और रिश्तेदारों से नहीं मिल पाएंगी। बेलारूस की तरफ से ऐसा कोई कानूनी पेंच तो सामने नहीं आया है, साथ ही उनका भतीजा भी यहाँ पर रहता है। ऐसे में सबसे प्रबल संभावना जताई जा रही है कि वो बेलारूस जा सकती हैं। वहीं कतर से भी हसीना के संबंध काफी अच्छे हैं और कतर राजनीतिक शरण देता आया है, ऐसे में वो कतर भी जा सकती हैं। शेख हसीना यूएई जाने पर भी विचार कर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि वहां की सरकार से इनकी बातचीत भी शुरू हो चुकी है। ये देश भी राजनीतिक शरण खूब देता आया है, लेकिन दोनों के बीच की बातचीत कहाँ तक पहुँची है फिलहाल ये सामने नहीं आया है। लेकिन माना यह जा रहा है कि इन 4 देशों के अलावा फिनलैंड शेख हसीना के लिए सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि एक तो यहाँ उनके कई रिलेटिव्स रहते हैं, साथ ही फिनलैंड में उन पर अमेरिकी या फिर किसी भी वेस्ट कंट्रीज वाले प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। वो अगर फिनलैंड में रहती हैं तो वो न केवल अपने बेटे से बल्कि अपने रिश्तेदारों से भी मिलजुल सकती हैं। लेकिन अभी तक फिनलैंड की तरफ से भी उनको हरी झंडी नहीं मिली है, जिसका शायद वो इंतजार कर रही होंगी। बहरहाल शेख हसीना का अगला ठिकाना इन 5 में से किसी एक देश में हो सकता है, लेकिन उस देश का नाम क्या होगा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।